क्रेजी गेमर विक्की के एक नए फ्रेश एपिसोड में गाइस आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आपको मेडिकेट प्लस ग्लू वॉल लगाने का एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि गाइस अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं मेडिकेट प्लस ग्लू वॉल एक साथ लगा पा रहा हूँ। गाइस ग्लू वॉल प्लस मेडिकेट का ये वाला ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, एंड आई प्रॉमिस अगर आप इस ट्रिक को सीख लेते हो तो उसके बाद आपके गेम प्ले में 100% इम्प्रूवमेंट होगा एंड आप सामने वाले एनिमी को डिफीट कर पाओगे। क्योंकि गाइस आपको ये वाला ट्रिक उस वक्त पे पता रहेगा एंड आप ग्लू वॉल प्लस मेडिकेट सेम टाइम पे कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। एंड गाइस इस वीडियो में मैं आज आपको ग्लू वॉल प्लस मेडिकेट ट्रिक के साथ साथ और दो ट्रिक भी बताऊँगा। सेकेंड ट्रिक में गाइस आज हम टीममेट को रिवाइव देने के साथ साथ मेडिकेट प्लस ग्लू वॉल लगाने का एक मेथड सीखेंगे। यह वाला मेथड भी गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इस मेथड में गाइस बेसिकली होता क्या है, आप अपने टीममेट को रिवाइव देने के साथ साथ मेडिकेट भी कर पाते हो एंड मेडिकेट करने के साथ साथ ग्लू वॉल भी लगा पाते हो, जैसे कि गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये सब ट्रिक गाइस आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आई होप सो गाइस आपको यह वीडियो पसंद आएगा एंड यह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स अब हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आज आपको मेडिकेट प्लस ग्लू वॉल लगाने का ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि गाइस आपने स्टार्टिंग में देख लिया था मैं किस तरीके से मेडिकेट प्लस ग्लू वॉल लगा पा रहा था। सो गाइस ट्रिक नंबर फर्स्ट में मैं आज आपको यही वाला ट्रिक बताऊंगा। सो अगर आपको इस ट्रिक को यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको गाइस एक ऐसा कस्टम रूम चला लेना है जहाँ पे आपको अनलिमिटेड ग्लू वॉल मिलता हो एंड अनलिमिटेड ग्लू वॉल मिलने के साथ साथ आपको अनलिमिटेड मेडिकेट मिलता हो। लाइक गाइस जैसे मैंने अभी चला रखा है क्लास कॉड जहाँ पे मेरे को अनलिमिटेड ग्लू वॉल मिल जाएगा एंड जब मेरे को मेडिकेट की ज़रूरत रहेगी तब मैं अपने टीममेट से मांग लूँगा। ये गाइस मैं आपको जो कस्टम रूम चलाने बोल रहा हूँ ये फॉर ओनली प्रैक्टिस पर्पस बोल रहा हूँ। सिर्फ गाइस आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक ऐसा कस्टम रूम चलाना है जहाँ पे आपको अनलिमिटेड ग्लू वॉल एंड मेडिकेट मिल जाए। ऐसा कस्टम रूम चलाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको डैमेज खाना है। ऑब्वियस सी बात है गाइस अगर आपको मेडिकेट करना रहेगा तो उसके लिए आपको डैमेज खाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा थोड़ा सा डैमेज खाना है। प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा कहीं से भी डैमेज खा लो। डैमेज खाने के बाद गाइस आपको मेडिकेट करना है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मेडिकेट करोगे तो आपको मेडिकेट करने से पहले आपको आपका जो ग्लू वॉल वाला बटन है उसे प्रेस करना रहेगा। लाइक गाइस हम नॉर्मल क्या करते हैं, जब भी हम डैमेज खाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मेडिकेट करते हैं एंड मेडिकेट करने के बाद हम अपने ग्लू वॉल वाले बटन को प्रेस करते हैं। बट फ्रेंड्स वाले ट्रिक में होता क्या है, आपको मेडिकेट करने से पहले आपको आपका जो ग्लू वॉल वाला बटन है उसे प्रेस करना है, उसके बाद जाके आपको अपना मेडिकेट करना है एंड उसके बाद गाइस आप नॉर्मल ग्लू वॉल लगा सकते हो जैसे आप ग्लू वॉल लगाते हो। एंड हाँ गाइस यहाँ पे आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, लाइक फ्रेंड्स जब भी आप ऐसे ग्लू वॉल एंड मेडिकेट लगाओगे तब जाके आपको गाइस आपका जो जॉयस्टिक है उसे बिल्कुल भी मूव नहीं करना। अदरवाइज अगर आप अपने जॉयस्टिक को मूव कर दोगे तो उसके बाद आपका ना तो गाइस ग्लू वॉल लगेगा ना आपका मेडिकेट लगेगा। इसी वजह से गाइस इस ट्रिक में नेसेसरी है कि जब भी आप ऐसे ग्लू वॉल एंड मेडिकेट लगाओ तब आपको आपका जो जॉयस्टिक है उसे बिल्कुल भी मूव नहीं करना, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रिक वर्क नहीं करेगा। आई होप सो फ्रेंड्स मैं आपको ट्रिक नंबर फर्स्ट समझा पाया होऊंगा। अगर आपको ट्रिक नंबर फर्स्ट समझ में आए तो गाइस हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक एक लाइक गाइस मुझे मोटिवेट करता है कि मैं फ्यूचर में आप तक ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुँचाऊँ। इसी वजह से गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ट्रिक नंबर टू भी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक में गाइस बेसिकली होता क्या है, आप अपने टीममेट को रिवाइव करते हो एंड रिवाइव करने के साथ साथ मेडिकेट भी करते हो एंड मेडिकेट करने के साथ साथ ग्लू वॉल भी लगाते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला ट्रिक हो जाता है। सो फ्रेंड्स वाले ट्रिक में आपको इस पॉइंट में समझाऊंगा। सो अगर आपको ऐसे करके अपने टीममेट को रिवाइव करना है एंड मेडिकेट करना है एंड साथ में ग्लू वॉल भी लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप अपने टीममेट को रिवाइव करने जाओगे तब आपको अपने टीममेट को रिवाइव करने से पहले, जैसे गाइस हमने स्टार्टिंग में किया था लाइक जब हम मेडिकेट कर रहे थे तब हम अपने ग्लू वॉल को प्रेस कर रहे थे, ऐसे ही आपको अपने टीममेट को रिवाइव करने से पहले आपको अपने ग्लू वॉल वाले बटन को प्रेस करना है, उसके बाद जाके आपको अपने टीममेट को रिवाइव देना है एंड जब अपने टीममेट को रिवाइव दोगे तब जाके आपको अपना मेडिकेट वाला बटन भी प्रेस करना है। जब गाइस आप ऐसा करोगे तब जाके आप ऐसे तीनों चीज़ को साइमल्टेनियसली एक ही मोमेंट पे कर पाओगे, लाइक आप अपने टीममेट को रिवाइव भी दे पाओगे, ग्लू वॉल भी लगा पाओगे एंड मेडिकेट भी कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला ट्रिक हो जाता है। जब आप कोई अनलिमिटेड ग्लू वॉल वाला कस्टम रूम खेलते हो
तब गाइस उस कस्टम रूम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये वाला ट्रिक बन जाता है। आप गाइस ये वाला ट्रिक का यूज़ करके अपने टीममेट को हील कर सकते हो, आप खुद हील हो सकते हो एंड ग्लू वॉल भी लगा सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वाला ट्रिक बन जाता है। एंड मैं पर्सनली इस ट्रिक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब मैं कोई कस्टम रूम खेलता हूँ जहाँ पर मुझे अनलिमिटेड ग्लू वॉल मिलता है। आई होप सो गाइस, मैं आपको वाला ट्रिक में जो समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। अब हम गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। गाइज आपने देखा होगा जब कभी भी हम एक अनलिमिटेड ग्लू वॉल वाला कस्टम रूम खेलते हैं, तब गाइज कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन बनती है जब हम अपने आप को ग्लू वॉल के अंदर 360 पैक कर लेते हैं, जैसे कि गाइज अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो गाइज बहुत ज़्यादा ऐसा हमारा कंडीशन बन जाता है जब आप ऐसे 360 ग्लू वॉल के अंदर पैक हो जाते हो। एंड हमें जब अचानक से ग्लू वॉल से निकलना रहता है तब हमें कोई रास्ता दिखता नहीं है, तब हम क्या करते हैं गाइज ग्लू वॉल फोड़ने लगते हैं। हमें सिर्फ एक ओनली रास्ता दिखता है ग्लू वॉल फोड़ना इस जगह से निकलने का। बट गाइज अभी मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा इस ट्रिक में क्या होता है, आप बिना ग्लू वॉल को फोड़े इस ग्लू वॉल से निकल सकते हो। सिंपल सा गाइज आपको क्या करना रहेगा, जब भी आप ऐसे ग्लू वॉल के अंदर फंस जाओ तब आपको गाइज और एक दो ग्लू वॉल लगा देना है अपने ग्लू वॉल के बगल में, तब गाइज आपका जो ग्लू वॉल है फूट जाएगा एंड आप ग्लू वॉल से इजली तरीके से निकल पाओगे। ये गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रिक बन जाता है जब वन ऑन वन कस्टम रूम खेलते हो या फिर कोई ऐसा कस्टम रूम खेलते हो जहाँ पे आपको अनलिमिटेड ग्लू वॉल मिलते हो, तो गाइज वाले कस्टम रूम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वाला ट्रिक बन जाता है। आई होप सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में जो समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा एंड अगला वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेज मिल रहा होगा। सो गाइज अगर आपको हमारा अगला वीडियो पसंद आता है तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर ऐसे फ्री फायर गेम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। एंड अगर हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं फ्यूचर में आप तक ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुँचाते रहूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय और लव यू, टेक केयर।